तो आज हम चर्चा करते हैं प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन की। तो प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रतिरोधों के प्रारंभिक और अंतिम सिरों को किन्हीं दो अवनिष्ठ बिंदुओं के मध्य जोड़ा जाता है, तो ऐसा संयोजन प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, यहाँ प्रतिरोध R1, R2 व R3 को दो अवनिष्ठ बिंदुओं A और B के मध्य जोड़ा गया है। तो अब बात करते हैं कि समांतर क्रम का अर्थ क्या है, कि पैरेलल जो क्रम है सम रजिस्टर्स का, उसका मतलब होता है देयर इज ए चॉइस। मतलब क्या हुआ इसका, कि विद्युत धारा को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के लिए एक चॉइस है, अर्थात वो इस मार्ग से जा सकती है, इस मार्ग से जा सकती है या इस मार्ग से जा सकती है। अर्थात ये जो प्रतिरोध R1, R2 और R3 एक ब्रिज की तरह कार्य करते हैं, अर्थात एक पुल की तरह, कि विद्युत धारा इधर से जा सकती है, इधर से जा सकती है, इधर से जा सकती है, ठीक है। तो यहां अगर हम मान लें कि इस पर्वत में प्रवाहित कुल धारा अगर I है, तो यह धारा प्रतिरोधों के अनुपात में बट जाएगी। जैसे इस बार जो R1 प्रतिरोध है उसमें प्रवाहित धारा का मान अगर हम I1 मान लें, इसमें मान लें I2 और इसमें मान लें I3। अब यदि प्रतिरोध R1 और R2 R3 का तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध का मतलब इफेक्टिव प्रतिरोध, R1 R2 और R3 के स्थान पर अगर हम एक ही प्रतिरोध लगाना चाहें तो वो कितने का होगा। तो मान लें जैसे यहां इस सिरे के हिसाब से कि धारा आई है और इसका जो इफेक्टिव प्रतिरोध है ये सिरा ए और ये सिरा बी, तो इफेक्टिव प्रतिरोध हम क्या मान लेते हैं आरपी। यदि पर्वत का तुल्य प्रतिरोध आरपी प्रवाहित कुल धारा आई एवं विभवांतर वी हो, तो ओम के नियम से, ओम के नियम से जो धारा होगी आई वो होगी V upon R। तुल्य प्रतिरोध और तुल्य प्रतिरोध क्या है, यह आरपी, समीकरण एक। ध्यान रखें कि जो चीज अलग अलग होती है, जैसे श्रेणी क्रम संयोजन में हमने बात की थी वहां विभवांतर अलग अलग था, तो हमने क्या निकाला था, विभवांतर V = IRS। लेकिन यहां विभवांतर समान क्यों है, क्योंकि विभवांतर दो अवनिष्ठ बिंदुओं के मध्य का नापा जाता है, क्योंकि सभी प्रतिरोध जो जोड़े गए वो दो अवनिष्ठ बिंदुओं A और B के मध्य जोड़े गए, अतः इन सभी का जो विभवांतर है, सिरों का जो विभवांतर है वो कैसा होगा, समान। तो समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर का मान समान रहता है, लेकिन प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान अलग अलग होता है, तो विभवांतर इसमें समान रहता है परंतु धारा का मान अलग अलग। ऐसे संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर अलग अलग, सॉरी विभवांतर समान परंतु धारा का मान अलग अलग होता है, अलग अलग होता है।
तो मान लेते हैं जैसा हमने यहां माना था प्रतिरोध R1 में प्रवाहित धारा का मान I1, प्रतिरोध R2 में प्रवाहित धारा का मान I2 और R3 में प्रवाहित धारा का मान I3 है। तो प्रतिरोध R1 में प्रवाहित धारा और वो I1 है, I1 बराबर होगी V अपॉन R1, समीकरण दो। इसी तरह प्रतिरोध R2 के सिरों का या R2 में प्रवाहित धारा I2 बराबर होगी V अपॉन, क्योंकि धारा होती है विभवांतर बटे प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का मान क्या है R2, समीकरण थर्ड। इसी तरह प्रतिरोध R3 में प्रवाहित धारा I3 बराबर V अपॉन R3, समीकरण फोर्थ। लेकिन जो कुल धारा का मान था क्या था I, और I प्रतिरोधों के अनुपात के हिसाब से I1, I2 और I3 में विभाजित हुई थी, परंतु I बराबर क्या था I1 प्लस I2 प्लस I3, ये समीकरण पांच। तो इस समीकरण में I का मान समीकरण एक से, I1, I2 और I3 का मान क्रम से समीकरण दो और तीन से रख देते हैं। तो I V अपॉन RP बराबर V I1, V अपॉन R1, V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। तो यहां V को अगर हम कॉमन लें और यहां भी अगर V को कॉमन लें तो 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3, V से V कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब 1 अपॉन RP, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन समीकरण 6। तो समीकरण 6 से स्पष्ट है कि समांतर क्रम संयोजन में जोड़े गए प्रतिरोधों का तुल्य जो मान है या वो उसका व्युत्क्रम, यहां आरपी क्या था तुल्य प्रतिरोध, तो तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम जोड़े गए प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। एक बार फिर आपको बताएं कि समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम समांतर क्रम में जोड़े गए प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। अब हम मान लें कि ये जोड़े गए प्रतिरोध समान है, तब देखते हैं माना तीन प्रतिरोध हैं और तीनों ही प्रतिरोध R ओम के हैं, तब क्या होगा तो 1 अपॉन R P बराबर होगा 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R, इसका मतलब 3 ओवर R या R P का मान क्या हो जाएगा R बटे 3। ठीक है, इसी क्रम को अगर हम जारी रखें और हम कहें कि यदि R प्रतिरोध R ओम कहें इसको, यदि R ओम के तीन प्रतिरोध, तीन की बजाय अगर n कर दें, यदि R ओम के n प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित हो तब तुल्य प्रतिरोध RP क्या होगा, जैसे तीन प्रतिरोधों को जोड़ा गया था समांतर क्रम में समान थे तब R बटे 3, अब R ओम के n प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है
इसलिए जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो आरपी किसके बराबर होगा, आर बटे एन, आर बटे एन। हम आपसे सीधे सीधे प्रश्न बोलते हैं कि माना 10 ओम प्रतिरोध के तीन जो प्रतिरोध हैं उनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, 10/3, 10/3। अर्थात जो तुल्य प्रतिरोध का मान होता है वो जोड़े गए प्रतिरोधों से भी कम मान का प्राप्त होता है। एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे हमारे पास मान लें दो प्रतिरोध हैं, एक 10 ओम का और एक 15 ओम का, तो ए और बी के जो मध्य का जो तुल्य प्रतिरोध है वो ज्ञात करना है, तो वो क्या होगा, 1/RP बराबर 1/10 प्लस 1/15, 1/RP, तो यहां 10 इसका लघुत्तम, 10 और 15 का लघुत्तम आया 30, तो 3+2 5/30 1/6। इसका मतलब जो आरपी है या तुल्य प्रतिरोध है वो 6 ओम के बराबर आया। अर्थात यदि 10 ओम और 15 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो जो तुल्य प्रतिरोध है वो 6 ओम के बराबर प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब यदि हमें अधिक मान के मानकर जो प्रतिरोध चाहिए तो उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, और यदि हमारे पास उपलब्ध जो प्रतिरोध है वो अधिक मान के और हमें उनसे कम मान का प्रतिरोध प्राप्त करना है तो उनको समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि समांतर क्रम संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध का मान है वो जोड़े गए प्रतिरोधों से भी कम का प्राप्त होता है। जैसे यहाँ 10 और 15 ओम के तीन दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े गए और उसका जो तुल्य प्रतिरोध है किसके बराबर प्राप्त हुआ, 6 ओम के।